जी, मेरा नाम शेख यामीन है। मैं को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कर्व इलेक्ट्रिक का। हमने बेसिकली ये इनिशिएटिव शुरू किया है पब्लिक ई बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम का श्रीनगर में। आज हमारा टेस्ट रन था डल गेट से कश्मीर यूनिवर्सिटी तक, विच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल वन। और हमने अभी 50 साइकिलें जो है हमारी 50 ई बाइक्स वो पूरे शहर में रहेगी 11 डॉकिंग स्टेशन पर। और द मेन एम टू स्टार्ट दिस वेंचर वॉज कि एक तो यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हम चाहते थे कि ट्रैफिक के कंजेशन में हम थोड़ा अपना रोल अदा कर पाए कि उसको कैसे हम कम कर सकें। और जो राइजिंग एनवायरनमेंट, जो राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स है, उस पोल्यूशन लेवल को थोड़ा कम करने के लिए ही हमने ये इनिशिएटिव उठाया है, जिससे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 750 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन हम एक साल में रोक सकते हैं। हमारा जो अभी हमारे 11 डॉकिंग स्टेशंस है, हमारे डॉकिंग स्टेशंस जो इस टाइम पे एक्टिव हो गए वो है डल गेट में, नेहरू पार्क के पास, बॉटनिकल गार्डन, देन कश्मीर यूनिवर्सिटी, निशात, हबक, उसके अलावा इलाहीबाग इस्लामिया कॉलेज, एंड सनत नगर चौक में भी है, बेमना में है और लाल चौक में भी है। और अभी जो इसके चार्जेस हमने इनॉग्रल रखे हैं, हम पर मिनट बेसिस पर चार्ज करेंगे, 90 पैसा पर मिनट विल बी द इनॉग्रल रेट्स। और उसके मज़ीद अगर किसी को ये अवेल करनी है सर्विस, उसको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ आना है डॉकिंग स्टेशन पर, किसी भी हमारे डॉकिंग स्टेशन पर, वहाँ पर हमारा डॉकिंग एग्जीक्यूटिव होगा, उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, उसकी वो उसका फ़ोन नंबर देना और अपना नाम देना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से उसको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर देना है, वहाँ से वो ई बाइक ले सकता है और किसी भी हमारे डॉकिंग स्टेशन पर फिर वो छोड़ सकता है, जहाँ पर हमारा डॉकिंग एग्जीक्यूटिव पेमेंट कलेक्ट करेगा और उधर ही उनको पे करना है। तब तक उनको पे नहीं करना जब तक वो राइड कंप्लीट ना हो। पेमेंट वो कैश में कर सकते हैं, कार्ड में कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारी जो ये ई बाइक है, हमने खुद डिज़ाइन की है, ये हमने इंडिया में असेंबल करवाई है, टोटली मेड इन इंडिया है। इसमें जो बैटरी है उसका सिंगल चार्ज पर 60 किलोमीटर तक पैडल असिस्ट पे आप उसको चला सकते हैं, और अगर आप सिर्फ थ्रॉटल पे चलाते हैं तो 45 किलोमीटर थ्रॉटल पे चलेगा। हमारी जो ई बाइक है ये GPS एनेबल्ड है, सो दैट वी एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम हमें पता है कि हमारी कौन सी साइकिल, कौन सा राइडर कहाँ पे चला रहा है। और इसमें एंटी टैम्पर भी है, दैट मीन्स इफ समवन डिसाइड्स टू डिसकनेक्ट द बैटरी और ट्राइज टू टैम्पर विद इट, वी विल गेट एन अलर्ट। और हम जो है रिमोटली फिर इसकी बैटरी भी ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ये MTB टाइप है, कीपिंग इन व्यू के जो यहाँ पर विंटर्स होते हैं, बारिश होती है, बर्फ़ होती है, MTB टाइप इसके टायर्स हैं। और हमने इसमें आगे बास्केट भी दी हुई है स्पेसिफिकली इसलिए कि अगर कोई बैग कोई कैरी कर रहा है वो कर सकता है। इन एडिशन टू दैट हमारे हर डॉकिंग स्टेशन पर हेलमेट्स भी रहेंगे, साइकिलिंग हेलमेट्स भी रहेंगे, सो जो भी साइकिलिंग हेलमेट भी यूज़ करना चाहेगा ही और शी कैन यूज़ देम एज वेल। अभी के लिए ये साइकिलें जो है दे आर यूनिसेक्स, बट जो नेक्स्ट बैच हमारा आ रहा है 50 ई बाइक्स का, उसमें हम फर्दर उसको जो बीच वाली जो पाइप है वो हटा रहे हैं, सो दैट टू एनकरेज द फीमेल राइडर्स मोर। और उसमें हम थोड़ा फेमिनाइन कलर्स भी रखेंगे, सो दैट फीमेल्स फील कम्फर्टेबल इन यूजिंग दीज ई बाइक्स।